महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संगीतकार विजय पाटिल उर्फ राम लक्ष्मण इनका पिछले वर्ष निधन हुआ था। आज एक वर्ष पूरा हो चुका है। शहर के कादर स्टूडियो स्थित मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल में शहर के युवा गायकों ने राम लक्ष्मण द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने गाकर उन्हें अभिवादन किया। पेश संवाददाता संजय मीरे इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। राम लक्ष्मण जी आप याद बहुत आओगे में, आइए देखते हैं। नागपुर के विजय पाटिल कुछ करने की चाह लेकर मुंबई गए। यूं तो भारतीय फिल्म क्षेत्र में कई दिग्गज संगीतकार हैं, जैसे कि नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एआर रहमान, जयकिशन, आरडी बर्मन आदि। इनमें से एक है संगीतकार राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण इन्होंने तकरीबन सभी भाषा के फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया है, जिससे कई फिल्में सुपरहिट भी साबित हो चुकी हैं। संगीतज्ञ के नाम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें पहचानती है। ऐसे महानतम संगीतकार राम लक्ष्मण जी इनका पिछले साल निधन हुआ। आज उनके निधन को पूरा एक साल हुआ है। उनकी याद में पुण्यतिथि का प्रोग्राम शहर के ख्यातनाम पार्श्व गायक एम ए कादर इनके स्टूडियो में यानी मोहम्मद रफी हॉल सेंट्रल एवेन्यू में किया गया। इस मौके पर कादर इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा अकादमी के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर स्वर्गीय राम लक्ष्मण जी इन्हें भावपूर्ण अभिवादन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर पाटिल इन्होंने दिल को छू लेने वाले गीतों से की। फिर तो एक एक कर सभी युवा विद्यार्थी गायकों ने स्वर्गीय राम लक्ष्मण जी द्वारा संगीतबद्ध किए गीतों की प्रस्तुति दी। आइए डालते हैं एक नजर। दर्शक नमस्कार, इस समय में बिशन की टीम कादर अकादमी में आई हुई है, जहाँ पे शहर के संगीतकार राम लक्ष्मण जी की आज पुण्यतिथि है। उन्हीं के अवसर उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम लिया गया है। इस समय में हमारे साथ में खुद अमर जी है, उनसे जानना चाहेंगे। अमर जी ये बताइए कि आज सर ने जिस प्रकार से संगीत अपना दिया था, हजारों सैकड़ों फिल्मों को उन्होंने अपने संगीत से इस तरह मतलब संवारा है कि लोग आज भी भूल नहीं पा रहे। आज भले ही बाबूजी हमारे साथ शरीर से न हो, लेकिन दिल से सभी दर्शकों से जुड़े हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, इस अवसर पर ये जो कार्यक्रम लिया गया है रफी कल्चरल हॉल में, क्या कहना चाहेंगे अमर जी? जी पहले तो मैं एम ए कादर अजीज अंकल का सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, कादर अकेडमी का, जो आज उन्होंने मेरे पापा के पहली पुण्यतिथि पे इतना खूबसूरत कार्यक्रम जो रखा है, और उनके स्टूडेंट्स इतने प्यारे उनका संगीत पेश कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि नागपुर में आज ये पहला कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो प्यार सभी संगीत प्रेमियों ने जो दे रहे हैं उनके, और जो उन्होंने मेरे फादर ने जो म्यूजिक किया है उसे हमेशा याद रखेंगे, इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या होगी। अराउंड 175 प्लस फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है, यानी उसमें सभी है, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु, बंगाली, बहुत सारे फिल्मों में दिया है। सर दर्शकों को इस समय तमाम दर्शक आपको गौर से देख रहे, सुन रहे, जो संगीतकार राम लक्ष्मण जी के काफी मतलब एक उनको चाहता हुआ एक बहुत बड़ा फर्क है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस ऐसे ही वो उनको आज भी प्रेम करते रहे जैसे पहले करते रहे, और जो उनके गाने हैं राम लक्ष्मण जी के, हमेशा उसे प्यार करते रहे। शहर के पार्श्व गायक एम ए कादर साहब इस समय में मौजूद है, जहां रफी कल्चर हॉल में वे कई ऐसे प्रोग्राम लेते रहे। आज संगीतकार राम लक्ष्मण जी की आज पुण्यतिथि है, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम लिया गया है। कादर साहब ये बताए कि जिस प्रकार से आज ये जो कार्यक्रम लिया गया है, मगर संगीतकार जो राम लक्ष्मण जी थे उनके गाए हुए तमाम गीत जो विद्यार्थी गा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? क्योंकि आप राम लक्ष्मण जी के काफ़ी नज़दीक कई वर्षों से जुड़े हुए हो। जी ये मेरी खुशनसीबी है कि बॉम्बे जाने के पहले मतलब राम लक्ष्मण जी जब यहाँ थे तो हम लोग साथ में प्रोग्राम्स करते थे, 5 लोगों का ग्रुप था, उसमें हमारे एक दोस्त थे बाबा स्वामी भी, जो बाद में मतलब इनके अमर जी के वो ससुर भी बने,
वो उनका भी देहांत हो चुका है। तो 5 लोगों का ग्रुप था, तो वो हमारे सबसे सीनियर हमारे विजय पाटिल साहब थे और बस उनके साथ हम लोग प्रोग्राम करते थे नागपुर में। लेकिन उनको एक ज़िद लगी हुई थी कि बस मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। तो एक दिन वो ट्रेन पकड़ के वहाँ चले गए और काफ़ी सभी दुनिया जानती है कि उनके गीतों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, वर्ल्ड लेवल पे गाने उनके फेमस हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के ये हमें ये चांस मिला कि पहली पुण्यतिथि उनको हम मना पा रहे हैं और हमारे कादर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि अमर उनकी वाइफ मीतू इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में यहाँ पर आए, तो इसकी बहुत ज़्यादा हमको खुशी है। इनके आने से रौनक आ गई है महफिल में, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। संगीतकार राम लक्ष्मण जी का जब उन्होंने संगीत दिया, कौन से ऐसी फिल्म थी या कौन से ऐसे फिल्म के गाने हैं जो आपको काफ़ी मतलब दिलचस्पी जिसपे बढ़ी थी? कौन से फिल्म को उन्होंने यूँ तो कई फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन यदि पसंदीदा कोई एक ऐसा नाम बताना चाहो तो क्या होगा? देखिए, गाने तो उनके आमतौर पर यह कहा जाता है कि मैंने प्यार किया, हम आपके कौन और हम साथ साथ हैं, ये इसी के गाने। लेकिन उससे भी पहले 100 डेज, सुन बेलिया, एक आशा जी का गाना है, साथी तेरे नाम जीवन कर जाएंगे, बहुत ही प्यारा गाना है। अभी थोड़ी देर के बाद में हमारे स्टूडेंट पेश करने वाले इस गीत को। हमसे बढ़ के कौन, देवा हो देवा, गणपति देवा, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मतलब सभी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे भी उन्होंने 2 फिल्मों में गवाया। फिल्म अंतिम न्याय में सूरज तेरे जलवों की परछाई से शर्माए, तू कर दे इनायत तो तकदीर बदल जाए। और एक फिल्म और आई थी फौज, उसका नाम था फौज, में हम 4 लोगों ने गाया था, साधना सरगम, उदित नारायण, सुरेश वाटकर और एम ए कादर, ऐसा 4 लोगों ने हमने उस फिल्म में, ये आप जो देख रहे हैं ये उसी की रिकॉर्डिंग, फिल्म फौज की रिकॉर्डिंग पे साधना सरगम, सुरेश वाटकर जी, राम लक्ष्मण जी, गीतकार देव कोहली साहब, उदित नारायण, ये मैं और ये फिल्म के प्रोड्यूसर है सागु साहब। तो आप थे एम ए कादर साहब जिन्होंने बखबेर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से ये सफ़र रहा है, संगीत का जो सफ़र रहा है वो अपने आप में एक है, क्योंकि इस शहर को विजय पाटिल नाम के एक ऐसे संगीतकार मिले जो आगे चल के राम लक्ष्मण नाम से मशहूर हुए। 175 के आसपास कई फिल्मों में उन्होंने अपने फिल्मों को संगीत दिया है और संगीत इतना ज़बरदस्त दिया है कि आज भी संगीत लोग गुनगुनाते हैं। जब भी कोई गाना शुरू होने के पहले में संगीत की यदि एक ट्यून भी बज जाती है तो लोगों को पता चलता है कि कौन सा गाना होता है। ऐसे महानतम संगीतकार राम लक्ष्मण जी भले आज हमारे साथ न हो, मगर वे हमेशा संगीत के माध्यम से जन जन तक रहेंगे और उनके संगीत का जादू कुछ इस कदर है कि वो हमेशा ही ऐसे बरकरार रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम लक्ष्मण जी आपका संगीत रहेगा। कादर अकादमी से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरा, BC News नागपुर।